प्रॉपर्टी टैक्स के मुद्दे पर चौतरफा घिरी शिवसेना की तरफ से मेयर किशोरी पेडणेकर ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि मुंबई करों पे कोई अतिरिक्त बोझ नहीं लादा जाएगा। उन्होंने कहा कि मुंबई में एक साल तक प्रॉपर्टी टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। पेडणेकर ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने का सिर्फ प्रस्ताव आया है, उसे मंजूरी नहीं मिली है। बता दें कि प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव पर विपक्ष दलों भाजपा, कांग्रेस, राकांपा, सपा एवं आम आदमी पार्टी ने शिवसेना पर जोरदार हमला बोला, जिसके कारण शिवसेना बैकफुट पर आ गई। भाजपा एवं कांग्रेस तो इसे अभी से चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश करने लगी है। बीएमसी कानून के तहत प्रॉपर्टी टैक्स में हर 5 वर्ष बाद सुधार किया जाता है। 2015 में इसमें सुधार किया गया था, उसके बाद वर्ष 2020 में ही इसमें सुधार होना था, लेकिन कोरोना संकट के कारण राज्य सरकार ने वृद्धि को स्थगित कर दिया था। जून 2021 में उसमें रेडिक रेकनर दर के अनुसार 14% वृद्धि का प्रस्ताव बीएमसी प्रशासन ने स्थायी समिति में पेश किया है। प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव पर भाजपा ने शिवसेना को होटल मालिक और बिल्डरों की हितैषी पार्टी बताया है। बीएमसी में भाजपा गुट नेता प्रभाकर शिंदे ने आरोप लगाया कि होटल व्यवसायियों, बिल्डरों व ठेकेदारों का करोड़ों रुपए माफ करने वाली बीएमसी कोरोना संकट के दौरान मुंबई करों पर टैक्स का बोझ लाद रही है। आप सभी जानते हैं कि पिछले ही स्थायी समिति की बैठक में सत्ताधारी और प्रशासन ये दोनों ने मिलकर प्रॉपर्टी टैक्स का एक प्रस्ताव स्थायी समिति के सामने लाया है। हमने इसका विरोध किया है, ताकि हमारी मांग ऐसी है कि इस प्रस्ताव को रद्द किया जाए। और हमारी ये मांग अभी की नहीं है, तो हमने पैंडेमिक सिचुएशन में ही एक खत लिख के कमिश्नर से हमने ये मांग की थी कि पैंडेमिक सिचुएशन में इस मुंबई का नागरिक जो है, उनका जो प्रॉपर्टी टैक्स है, उनको आप स्टे दे दो, उसके बजाय उसको बढ़ाने का जो प्रस्ताव यहाँ पे लाया है, उसका भारतीय जनता परिषद तीव्र विरोध करती है और इसको खारिज करने की मांग करती है। क्योंकि आप ये भी जानते हैं, इस शहर में जो बिल्डर है उनको छूट देने की मांग प्रशासन ने मान ली, साथ में ताज होटल को भी छूट दे दी गई। इस शहर में जो कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं उनको 2022 तक हमने छूट दे दिया। जो होल्डिंग्स लगते हैं, कमर्शियल होल्डिंग्स, उनकी फीस 10% थी, वो 10% से हमने 5% कर दिया। और इस शहर के जो सामान्य नागरिक है उनके बारे में ये रवैया क्यों है? और इसलिए भारतीय जनता पक्ष ये प्रॉपर्टी टैक्स का प्रस्ताव जो स्थायी समिति में लाया गया है उसका विरोध करती है और उसकी खारिज करने की मांग करती है। अप्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए शिंदे ने कहा कि वह मुंबई में 500 वर्ग फुट से कम क्षेत्र वाले घरों का प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने वाले वादे से मुकर गए। राज्य में शिवसेना की 1.5 साल से सरकार है, लेकिन मुंबई करों के 500 वर्ग फुट के घरों का प्रॉपर्टी टैक्स माफ नहीं किया गया। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई।